तो चलिए आज फिर एक बार इमू पिजन में स्वागत है। हम अपने छत पर आए हुए हैं और कबूतर को ट्रेनिंग देने के लिए, वो कबूतर का बच्चा निकल आया है जिसको हम ट्रेनिंग देंगे कबूतर के साथ उड़ाने के लिए। तो हम दरबे के अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से कबूतर को ट्रेनिंग दी जाती है और वो बच्चा बड़ा हो गया कि अभी छोटा है। अंडे से जो निकला था उस बच्चे को दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा बच्चा निकला है। तो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैं दरबे के अंदर आ गया और बच्चे को आपको दिखाऊंगा। तब तक ये जो पानी है इसको मैं बदल देता हूँ। ये पानी काफ़ी गंदा हो गया, इसको मैं उधर जाके डाल देता हूँ और दूसरा पानी इसमें चेंज करना है। तब तक के लिए आप बने रहें। यहाँ पे कबूतर बाहर निकाल देंगे सारे कबूतर को और आपको उस बच्चे को दिखाएंगे, उस बच्चे से मिलाएंगे जिस बच्चे को ट्रेनिंग देंगे हम, और आज कुछ नई चीज़ें भी बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें। और ये देखिए हम कबूतर को बाहर करने की कोशिश करेंगे। चला चला सारे कबूतर को बाहर कर देंगे और बच्चे को हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ भी बच्चा है और बहुत सारे कबूतर हैं जो सारे कबूतर को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे कबूतर बाहर हो जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि वो बच्चा जो हमने चुना था कबूतर का वो निकल आया है, बड़ा भी हो गया है। तो उसको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से वो बाइक के साथ उड़े, और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये देखिए ये निकला हुआ है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। यहाँ पे देखिए आप, ये इस पर बैठा के मैं दिखा दे रहा हूँ। ये बच्चा देखिए कितना ज़बरदस्त ये बच्चा निकला है। तो मैंने इस बच्चे को नहीं चुना था ट्रेनिंग के लिए, मैं दूसरे बच्चे को चुना हूँ, उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ये बच्चा भी आप देख लें। और मैं इस बच्चे को अब रख दे रहा हूँ। और भी काफ़ी सारे बच्चे निकले हैं इस बार। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बच्चा नहीं निकला है, यहाँ भी दो बच्चे जो है निकल आए हैं जो बहुत ही प्यार से बैठे हुए हैं। इसमें भी बहुत प्यारे मतलब बच्चे निकलेंगे। और यहाँ भी दो अंडा रखा हुआ है, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। यहाँ भी दो बच्चे हैं जो अलग अलग हैं, दो बच्चे बहुत ही उड़ान के ये दो बच्चे भी हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये मखियारा का बच्चा है जो बहुत देर तक मखियारा उड़ता है, जो लाइट में भी उतारने की कोशिश की जाती है तब भी नीचे नहीं आता है, उसका ये बच्चा है। तो इधर जो हमने दिखाया था आपको, ये देखिए कबूतर, हमें लग रहा है ये अंडा अलग क्यों पड़ा हुआ है। ओ ये अंडा तो फूट गया, ये अंडा कबूतर का एक जो है ख़राब हो गया, फूट गया किसी तरह से। तो इस अंडे को हम बाहर निकाल देंगे और ले चलेंगे, इसको कौवे वगैरह को खिलाएंगे। यहाँ पे यहाँ भी दो अंडा रखा हुआ है, ये अंडा भी हमें लग रहा है ख़राब है, इसको भी निकाल लेते हैं, देखते हैं। ये अंडा जो है काफ़ी हमें दिख रहा है कि लग रहा है ये ख़राब हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं इसी के साथ और रख लेते हैं। और दूसरा अंडा भी देखते हैं, ये भी हमें लग रहा है कि ख़राब है अंडा, इसको भी रख लेते हैं। ये अंडा सारे हम जो है बाहर निकाल देंगे, ये अंडा हमें लग रहा है कि ये अंडा ख़राब है। तो चलिए मैं आपको उस कबूतर से मिलाता हूँ जिस कबूतर को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ उस कबूतर को। यहाँ पे था वो अंडा, यहाँ पे अंडा रखा हुआ था, उसमें से बच्चा हमने चुना था कि उस बच्चे को दिखाएंगे ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उसका भी अंडा यहाँ पे नहीं है। भाई से पूछा तो कहा कि उस अंडे को जो है ख़राब हो गया था, फोड़ दिया था कबूतर ने, तो उसको मैंने बाहर बहा दिया। तो इस बार उस कबूतर को नहीं चुनेंगे, इस बार इसी बच्चे को चुन लेंगे हम, इसको इसी बच्चे को हम ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। ये बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है, बड़ा बच्चा भी हो गया है, तो इसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देंगे हम। इसका वीडियो बनाएंगे कल, कल से इसको जो है किस तरह से अलग से इसके लिए पिंजड़ा लाया जाएगा, अलग से इसका सारा इंतज़ाम अलग से की जाएगी, तभी ये जो है आपके साथ उड़ेगा और बाइक के साथ भी उड़ेगा। तब तक के लिए जो ये अंडा ख़राब हो गया इसको मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। बाहर का भी कबूतर आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये जो बहुत ही प्यारा है इसको भी देख लीजिए आप। तो चलिए इस अंडे को हम बाहर निकाल कर कौवे वगैरह को खिलाते हैं और आपको कबूतर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये अंडा फोड़ के देखें या ना देखें, इसमें बच्चा निकला या नहीं निकला, तो आइए देखते हैं। इसको कौवे को खिला देते हैं और वीडियो बनाने के स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग के लिए इंतज़ाम करते हैं उसको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। तब तक के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें, मैं आपसे कल ही मिलने वाला हूँ।